अजीब टाइप के बदतमीज बच्चे हो यार। सरस्वती माता की कदर नहीं करते? बेटा नालायक और बेरोजगार रह जाओगे। बिल्कुल आपके जैसे है ना सर। बेटा तुम्हारा मतलब क्या है? हम बेरोजगार हैं? हम नालायक हैं? अरे वाह, आपको तो पहले से पता है सर। बेटा अभी तुम लोगों का हरकत सुधरने का समय आ गया है। अब बेटा सरप्राइज मिलेगा तुमका। कैसा सरप्राइज सर? अपने टकले पे बाल लगा रहे हैं क्या? बेटा अभी चुप्पे हो जाओ वरना तुम्हारे सर से बाल नोच के लगा लेंगे। अभी बताइए ना सर, कैसा सरप्राइज? नहीं अभी नहीं देंगे तुम लोगों को सरप्राइज। सर जी टीना मैडम और आपके शादी का कार्ड छपवा दिया है क्या? कहे हम दोनों का शादी का कार्ड कहाँ छपवाएंगे? हम दोनों तो पहले से शादीशुदा है। अरे तो फिर शादी टूटने में कितना टाइम लगता है? बेटा कुछ ज्यादा नहीं बताओ जो कर रहा तुम लोग। अभी तुम लोगों को सही करने का समय आ गया है। अब तो बेटा तुम लोग मिलो कल सरप्राइज के लिए। अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे शादी टूटने में वक्त थोड़ी लगता है। देखो दोनों एक साथ खड़े हैं कैसे। बेटा चुप्पे हो जाओ, अब सरप्राइज बता रहे हैं तुम लोगों को। हाँ सर बताइए बताइए। कल रात से नींद नहीं आई है सोच सोच कर। हाँ? अरे सर हम तो कपड़ा भी इस्त्री कर लिए कि आपके शादी में पहनेंगे। तो बेटा सरप्राइज ये है कि आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। अरे सर क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम और टीना मैडम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और तुम लोग जवाब दोगे। समझ में आया? और अगर जवाब नहीं दिए तो? बेटा जवाब नहीं दोगे तो माँ बाप को कल लेके आना। चलो पहला सवाल तुमसे ही पूछेंगे। तो बताओ बेटा अंबानी के पास कितने पैसे हैं? अरे उसी को जाके पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। अच्छा बेटा तुम खड़ा ही रहो। अब बेटा तू बता दुनिया का सबसे तेज चलने वाला गाड़ी कौन सा है? बैलगाड़ी। अच्छा कहाँ से लाते हो इतने ज्ञान? अरे सर जी जब इतने महान टीचर पढ़ाएंगे तो ज्ञान तो रहेगा ही ना। चलो अब ये बताओ कि भाभी घर से 25 कदम चली, फिर दाहिने मुड़ी और 10 कदम चली और फिर वापस 15 कदम घर की तरफ चली। अब बेटा बताओ भाभी कहाँ होगी अभी? अरे सर जी आपको काम दम नहीं है क्या? पराए औरत को चलते हुए देखते रहते हो, कौन कितना चली कौन कितना वापस आई? अरे बेटा सवाल है ये। तो जवाब क्या है? वो तो बेटा तुमको देना है। अरे हमको नहीं आता यार। हम पूछते एक सवाल आप दोनों को, बता नहीं पाए तो ये सवाल बवाल बंद एकदम। और अगर बेटा जवाब दे दिए तो समझ लेना खैर नहीं है तुम्हारी। सर जी सोचिए कि आप एक जहाज में हैं और वो जहाज थोड़ी देर बाद डूबने लगती है, अब आप उसे कैसे बचोगे? कैसे बचेंगे? अरे हमने तो सर